गुरु भगवान के शुक्राने हैं, जो द सीक्रेट एक बुक लिखी हुई है, रोंडा ब्राउन करके कुछ ऐसे नाम है, और उस पर मूवी भी आई थी। तो उनका जो थीम है, और विचारकों का भी, कई विचारकों का जो पढ़ने में आया, तो उनका थीम है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके जीवन में होता है। एक विचारक ने ऐसी बात रखी है, रिच रिमेन रिच, पुअर रिमेन पुअर। 80% दुनिया में जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो गरीब ही रहते हैं। 80% वो गरीब ही रहते हैं जीवन भर। गरीबी मरते हैं, उनके बच्चे भी गरीब रहते हैं। 80% आबादी जो है, वो जो गरीब लोग हैं उनकी बात हो रही है। 60% से नीचे दुनिया में थोड़ा सा गरीबी है, 40% प्रोस्पैरिटी है, इस तरह का एवरेज लगभग मोटा मोटा ऐसा दुनिया में देखा जाता है। ये तो ही एक बात। अब जो गरीब लोग हैं उनमें से 80% गरीब ही रहते हैं जीवन भर, मरते भी गरीब हैं, उनके बच्चे भी गरीब रहते हैं, वो भी मरते गरीब हैं ऐसे। बाकी 20% में कोई निकलता है, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे मैं पहले उदाहरण लिया था हेनरी फोर्ड, तो वो एक गरीब बच्चा था, अनाथ, कोई नहीं आगे पीछे, अनाथालय में पला हुआ, साधारण स्कूल जाता था, स्कूलिंग भी छोड़ दी और मोटर मैकेनिक की शॉप पे साथ में काम किया। बाद में क्या बना? इस तरह के बच्चे, ये उदाहरण में 20% लोगों में इस तरह के लोग आते हैं। सारे 20% ऐसे नहीं हो जाते, कुछ गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाते हैं, थोड़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वो थोड़ा ठीक रहते हैं जीवन भर, ठीक काम चल जाता है। और इन्हीं में से कुछ परसेंट ऑथर ने, लेखक ने, विचारक ने 5% बोला है जो काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, वो 5% है। ये कोई मायूस उदास होने की बात नहीं है, इन 5% में हर एक कोई आ सकता है जो हिम्मत करता है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जो हिम्मत करता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कोई अपनी हिम्मत करके और अपने पुरुषार्थ से मेहनत करके आगे बढ़ता है और थोड़ा सा भगवान की कृपा साथ देती है तो वो राइज कर जाता है, वो उन 5% में आते। इसी तरह दूसरे पढ़ना पलटें, रिच पीपल रिमेन रिच, 80% रिच ही रहते हैं जीवन भर और रिच ही मरते हैं, और उनके बच्चे भी रिच होते हैं और वो भी रिच रहते हैं। 20% रिच लोगों में ऐसे लोग हैं जो पैसा लगाया और बर्बाद हो गए, और सारे केसेस ऐसे भी आते हैं, वो 20% में आते हैं। उन्हीं में 5% वो हैं जो बैंकरप्ट होकर, दिवालिया होकर, कर्जा, जबरदस्त कर्जा, इतना कर्जा कि सारा बिक जाए, खुद भी बिक जाए तो भी नहीं चुकेगा, और वो जेल में या पागलखाने में उनका लास्ट का समय बीतता है। 100 में से जो अमीर लोग हैं, उन 5 अमीरों का जो समय है लास्ट का, पागलखाने में, जेल में, या मृत्यु बहुत खराब तरह से होती है, ऐसे बीतता है। तो ये वैरायटी देखी जाती है दुनिया में। विचारकों ने बताया है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो किताबें हैं, नेपोलियन हिल की है, जोसेफ मर्फी की है, इस तरह की ये लोग बोलते हैं। हम लोग किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सत्संग सुन रहे हैं वो आप किसी भी लेवल पर आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा पर, अमीरी में, अमीरी रेखा में भी, और ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सत्संग सबके लिए है और खुश होना सबके लिए है। कोई महल में भी दुखी हो सकता है और कह सकता है मुझे महल में कैद कर रखा है।
मैं बंदी हूँ महल में, मैं कैद हूँ, बंद हूँ, जेल खाने में हूँ, ऐसा वो कह सकता है। और कोई स्लम एरिया में बहुत खुश हो सकता है, झुग्गी झोंपड़ी में बहुत खुश हो सकता है। तो ये एटीट्यूड की बात है। तो इन बातों के साथ चलिए, हम लोगों ने कल चाणक्य नीति पर पॉइंट्स लिए थे, वो रह गए हैं अभी थोड़े। मैं शुरू से एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ता हूँ। चाणक्य जो थे खुद बहुत ही साधारण तरह से रहते थे, राजा के चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। हालांकि खुद बन सकते थे लेकिन वो नहीं बने। उनका ही कहना था कि खुद आप कुछ भी बनोगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, आप स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। और उनको स्वतंत्रता पसंद थी और दिमाग बहुत तेज था, तो वो राजा के मंत्री हो करके रहे और एक झोंपड़ी टाइप का बना करके महल के बाहर, जहाँ भी राजा ने बोला होगा वहाँ पर एक साधारण कुटिया बनाकर एक संतों का सा जीवन व्यतीत करते थे। खाना पीना, रहना, सोना, जागना सब उस कुटिया में, और बाकी सारा टाइम राजा का काम। तो फिर महल में आना जाना रहता था। उन्होंने कुछ नीतियाँ बताई, कुछ बातें बताई हर तरह के व्यक्ति के लिए, हर तरह के व्यक्ति के लिए, अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है। मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य पब्लिक डीलिंग करता है, लोगों से व्यवहार करता है, उसका व्यवहार अच्छा हो और वो किस तरह से कंपनी को ठीक से चला सके, राजा अपने राज्य को ठीक से चला सके। उन्होंने हर एक के लिए ये बातें बताई हैं। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा फिट बैठेंगी, कुछ लोगों के लिए ये है कि ये बात नहीं तो ये बात नहीं तो ये, कोई ना कोई उनके लिए फिट बैठेगी, ठीक रहेगी, फॉलो करने से लाभ होगा। कुछ ऐसी बातें इन्होंने बताई हैं जिनको, जिनसे लाभ हो। पहला इन्होंने बताया था, नेवर यूज फाउल लैंग्वेज, कटु वचन मत बोलो कभी भी किसी को भी। कबीरदास जी का भी दोहा है ना कि गरीबन को न सताइए जाकी मोटी हाय, जाकी मोटी हाय से लोह भस्म हो जाए। कटवचन मत बोलो, गरीब को मत सताना, उसकी हाय जब लगती है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। तो ये हर एक के लिए है, कटवचन मत बोलो। उस गरीब के लिए भी है जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसको सताओ नहीं, वो भी कटवचन ना बोले। हर एक के लिए है, अमीर भी ना बोले, गरीब भी ना बोले, कोई ना बोले। कटवचन नहीं बोलने चाहिए, गाली मत दो, ठीक से बोलो। और अगर आपको डांटना भी है तो, अब आगे ही बताएंगे, जो पद पर होते हैं, मान लीजिए कि कंपनी में मैनेजर है, उसके साथ वर्कर्स हैं, तो उन वर्कर्स को उसको डांटना पड़ता है। यूज़ अ स्टिक व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसा भी बोला फिर इन्होंने, डंडी का इस्तेमाल करो जब ज़रूरत हो। एक टीचर जो है अपने पास में संटी रखते थे पहले, और जब जिस बच्चे को ठीक करना होता था संटियाँ मारते थे। तो ये जो डंडी रखना है, अब तो नहीं रखते डंडी, अब गाली वगैरह भी नहीं देते हैं, डंडी वगैरह भी नहीं रखते हैं। अब डांटना जो है वो सिर्फ डांटना, और डांटना ही का पर्याप्त होता है। आपको किसी को भी कुछ कहना है और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप डांट सकते हैं, पर एक सीमा में, और उसके बाद उसको आप प्रेम से बात भी कर सकें। ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए। ये हुनर है तो आप किसी को भी डांटेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगले ही पल या अगले ही, जब भी मान लीजिए सुबह डांटा और फिर एक घंटे बाद मिले तो फिर वैसे ही मिले जैसे नॉर्मल व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे कोई बात ही नहीं हुई। तो वो भी समझ जाएगा, इन्होंने काम पर डांटा है मुझे नहीं डांटा, इन्होंने काम के लिए डांटा है मुझे नहीं डांटा। काम गलत करूँगा, काम खराब करूँगा तो डांट पड़ेगी, पर मेरे को नहीं, काम के लिए। ये बात है। दूसरा है, डोंट बी टू ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा सीधे और सरल और ईमानदार मत बनो, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जंगलों में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ठेकेदार जब जाता था जंगलों में तो सीधे पेड़ों को सबसे पहले काट देता था। टेढ़े मेढ़े पेड़, जंगली टाइप के, इधर टेढ़ी एक डाली इधर गई, एक डाली इधर गई, ऊपर जा ही नहीं रहा है, इधर उधर डालियाँ फैल गई, एक श्रब की तरह, एक झाड़ी की तरह, उसको नहीं काटते, वो बेकार होती हैं। वो तो खाली इनके
आदिवासियों के लिए जो जंगल में रहते हैं वो तोड़ तोड़ करके उनकी डंडियाँ जलाने के काम में ले लेते हैं, बाकी पेड़ की तरह उनको नहीं काटा जाता। तो टेढ़े मेढ़े पेड़ नहीं काटे जाते हैं, सीधे पेड़। तो ज़्यादा सीधे मत बनो, डोंट बी टू ऑनेस्ट, ज़्यादा ईमानदार मत बनो। ज़्यादा ईमानदारी तो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, हर चीज़ जो ये बताएंगे पॉइंट्स, वो सीमा के अंदर अच्छे हैं। जैसे कहते हैं कि मात्रा में तो जहर भी अमृत होता है, संख्या भी अमृत होती है। संख्या जहर है एक आयुर्वेद में, मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सुई की नोक छुलाते हैं उससे, उसमें दो चार कण चिपक गए उसके, और उसको दवाई में मिला देते हैं, बस इतना, और वो फायदा कर जाती है, एकदम जादू का काम करती है बीमारी में। बुखार में होम्योपैथिक दवाओं में वो कीटाणुओं का प्रयोग किया जाता है जो आदमी को पहले टीबी हो जाया करती थी, उसके जो कीटाणु होते थे उसकी दवा बनती है। कुछ और भी दवाएं हैं जिनमें जर्म्स या वायरस या बैक्टीरिया का यूज़ होता है दवा बनाने में। वायरस का तो अभी नहीं कर रहे हैं लोग यूज़, पर बैक्टीरिया और जर्म्स का यूज़ करते हैं। एक ई कोलाई दवा होती है, पेचिश हो जाती है ना किसी को, तो उसी के अमीबा को उठा करके दवाई बना देते हैं, और वो तरह तरह की बीमारियों में काम आती है। तो ईमानदारी एक सीमा में बहुत अच्छी चीज़ है और आदमी को बहुत आगे तक ले जाती है, लेकिन ज़्यादा ईमानदारी और ईमानदारी का दिखावा करना वो उसको नुकसान पहुंचा देता है। डू नॉट शेयर सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए, नुकसान होता है। स्टे अवे फ्रॉम डिप्रेस्ड एंड सैड पीपल, जो डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं, हर समय दुख की बात करते हैं, हर समय निगेटिव बात करते हैं, जब बोलेंगे तो निगेटिव बोलेंगे। आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं, आपकी बात को एकदम मोड़ कर रह रहे, नहीं तो हाँ ठीक है तुम जो कह रहे हो, लेकिन ऐसा, लेकिन ऐसा, लेकिन लेकिन लगाकर वो सारी बात को निगेटिव कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग निगेटिव करते हैं, इनका साथ छोड़कर पॉजिटिव लोगों का संग करना चाहिए, मेंटर का संग करना चाहिए, गुरु का सानिध्य करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। और हम भी डिप्रेशन और नेगेटिव बात कभी ना करें, हमेशा पॉजिटिव बात करें। सब ठीक है, भगवान के राज्य में सब ठीक है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है और सब ठीक होता है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट पावर आर इट्स यूथ, कल आपको बताया था कि जो यंग जनरेशन है ये हर कंट्री की एक अपने आप में एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। अब यूथ दो तरह का होता है, एक तो गुड हेल्थ को मेंटेन करना यंग एज में, जवान लोग जो हैं वो कसरत करके, एक्सरसाइज करके, अच्छा खाकर, खूब एक्सरसाइज करके अपने को यूथ, अपनी यूथ को मेंटेन करें, अपनी यंग एज को मेंटेन करें, लंबे अरसे तक उनकी यंग एज, कम से कम 60 साल तक उनकी यंग एज बनी रहे। बल्कि रिसर्च में तो ये कहते हैं कि जो लोग अपने को मेंटेन करते हैं, जो लोग अपने साथ मेहनत करते हैं, हर समय गरिष्ठ भोजन नहीं खाते पर जो खाते हैं वो ताकत के लिए, तो और खूब एक्सरसाइज करते हैं, वो 65 साल तक यंग बने रहते। तो बी यूथफुल एट एवरी एज, हर एज में यंग एज बनी रहे, कम से कम 65 साल तक तो बनी रहे, उसके बाद भी कुछ लोग मेंटेन करते हैं, 85 तक वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, 90 तक भी ठीक रहते हैं। बहुत देखे होंगे आपने, 90 साल के हैं, 100 साल के हैं और ठीक हैं, ठीक है। एन ईगोइस्टिक पर्सन कैन बी वन बाई प्रेज, अगर कोई ईगोइस्टिक पर्सन आपको मिलता है तो उसको तारीफ से जीतो, वो तारीफ बहुत अच्छी लगती है उसको। अ क्रेजी पर्सन बाई लेटिंग हिम बिहेव इनसेन, एक पागल आदमी है उसको पागल की तरह बिहेव करने दो, आप उसको सिखाओगे समझाओगे आपकी आफत आ जाएगी, उसको जैसा है वैसे ही रहने दो। अ वाइज पर्सन कैन बी वन बाई बींग ट्रूथफुल, और एक अगर ज्ञानी पुरुष को आप जीतना चाहते हो या गुरु का संग करना चाहते हो तो एक सच्चे इंसान बनो,
मैंने देखा गुरु का संग मैंने बहुत किया है, बहुत अपनी यंग एज मेरी पूरी गुरु के संग में गई है, गुरुजनों के संग में, क्योंकि हमारे गुरु जी के दादा भगवान के कई शिष्य रहे तो वो सब सत्संग करते थे, सबका संग मैंने किया है। तो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति उनको पसंद आता था, तो मैं हमेशा उनके जब साथ रहा, प्रश्न उत्तर बहुत किए मैंने, हमेशा ज्ञान के प्रश्न करता था, इधर उधर की बात नहीं करता था, ज्ञान का प्रश्न पूछता था। आज ये पॉइंट चली तो ये ठीक से नहीं समझ में आई, या आपने कहा मैं आत्मा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता मैं आत्मा कैसे हूँ, तो वो समझाया करते थे, बहुत समय देते थे। तो गुरु का संग करना है तो एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बनो और अपनी बात पूछो। भगवान ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, यदि तू अपनी उन्नति चाहता है तो गुरु के पास जाकर उनको नमन करने से, प्रणाम करने से और ईमानदारी से, सच्चाई से प्रश्न उत्तर करने से तो उनका सानिध्य लाभ ले सकेगा और उन्नति को प्राप्त होगा। फिर आगे पॉइंट में कहते हैं, हर दोस्ती के साथ कुछ सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, दोस्तों में भी रहता है थोड़ा सा, तो पहले तो नहीं होता है दोस्तों में, जब वो हाई स्कूल वगैरह और उसमें तो कुछ जानते नहीं ज़्यादा, ठीक है सब ठीक है, जो दोस्त अपने जैसा लगता है उससे दोस्ती कर ली, बस कर ली तो कर ली, उसमें कोई, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चों में सेल्फ इंटरेस्ट आता जाता है, वो उन्हीं से दोस्ती करते हैं जिनसे काम पड़ता है या जो काम के होते हैं, तो ये रहता है लोगों में और ये ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल से आप दोस्ती करेंगे तो आप खुश रहेंगे, और आपके जैसा नहीं है, वो फ़र्क है, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे उसके साथ। उससे दोनों नम्र भी रहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट जब होता है ना, मेरा इंटरेस्ट है तो नम्रता भी रहती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो अक्खड़पना आ जाता है, टोन ऑफ वॉइस बिगड़ जाती है कभी कभी, लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए उससे, मुझे कुछ मिलता है उससे, तो मैं नम्रता से रहूँगा, इससे कहीं बिगड़ ना जाए दोस्ती, बना के रखो, काम का आदमी है। तो हम काम के आदमी बने, हम काम के आदमी बनेंगे तो हर एक कोई हमसे दोस्ती करना चाहेगा। कुछ लोग हैं हमारे सत्संग में जो काम के आदमी हैं, उनसे हर एक कोई दोस्ती करना चाहता है, मैं भी, और जो काम के नहीं है भाई बातें बनाते हैं, उनसे बात करना, थोड़ा टाइम बात करा फिर हाँ करके टाल देते हैं, ये तो है दुनिया में, आप तभी राइज कर पाओगे, वरना वो खींचते हैं नीचे को, बेकार की बातें करके आपको नीचे को खींचते हैं, आपको बेकार की बातें दिमाग में डालेंगे, टाइम खराब करेंगे, एनर्जी सकर से, एनर्जी सकर का संग नहीं करना चाहिए, टाइम खराब हो जाएगा, समय चला जाएगा, जीवन चला जाएगा, इस जीवन में हमें भगवान मिल सकते हैं और हमने बेकार लोगों से दोस्ती कर ली तो वो हमको खड्डे में ले जाएंगे, देख लो आपका भला किस में है। चाणक्य ने वो बातें कही हैं कि तुम्हारा उद्धार कैसे हो, तुम्हारा भला कैसे हो, व्यवहार में भी और परमार्थ में भी, एनर्जी सकर से दोस्ती करोगे तो तुम्हारा परमार्थ भी गया, और एनर्जी गिवर्स जो लिफ्टर्स होते हैं उनसे दोस्ती करोगे तो तुम लिफ्ट होगे, तुम राइज करोगे और भगवान से मिलके एक होगे, तुम भगवान तक पहुंचोगे, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको समझ है। फिर अगला पॉइंट है, शर्म को छोड़ दो खाने में, ज्ञान प्राप्त करने में, पैसे की डीलिंग में और बिजनेस में। शर्म छोड़ दो खाने में, आपको जो पसंद है वो खाइए आप। घर में तो मम्मी कहती रहेगी ये खा ये खा ये खा, ठीक है खाना चाहिए, मम्मी ठीक कहती है, मम्मी को गलत थोड़ी कहती है, मम्मी सही कहती है, लेकिन अब कभी कभी देखना पड़ेगा कि हमारा मन ये खाने का है, दो आइटम रखे हैं हमारे सामने, चार आइटम रखे हैं, चार में से तीन हमने ले लिए, एक नहीं लिया, वो ज़्यादा बढ़िया है आइटम उनके हिसाब से, बड़े लोगों के, मम्मी के हिसाब से, पापा के हिसाब से, अब हमें वो पसंद नहीं है, तो कह रहे शर्म मत करो, तुम्हें जो पसंद है वो खाओ, घर के ही तो हैं चारों आइटम, बहुत समझदारी की चीज़ें हैं इसमें, क्या है ना, आप मेरी बातों को मत पकड़ लेना, नुकसान हो जाएगा। चाणक्य ने बहुत समझदारी की बातें कही हैं जो समझदार लोग ठीक से उठाते हैं। इफ़ यू आर अ राइट पर्सन,
यू विल यूज दीज पॉइंट्स इन अ राइट वे. आप कहोगे आज तो पॉइंट चली थी, जो मर्जी है वो खाओ, तो आप बिगाड़ लोगे अपनी सेहत को. इन्होंने कहा अगर चार आइटम रखें, चारों घर के हैं, घर में बनाए गए, तीन हैं, तीन बनाए गए घर में, आज आपको दो पसंद है, आप दो से खा लो. समझदारी की बात है ना. हाँ, बाजार से मंगा के नहीं खा लेना. हमें तो ये पसंद है, हम तो पिज़्ज़ा मंगाएंगे, हम तो बर्गर, तो पास्ता, तो मोमोज. बाजार का आइटम बढ़िया नहीं होता, घर का आइटम बढ़िया होता है. घर में बनवा के खाओ आपका जो मन है. बच्चों को जो पसंद है, मम्मियों को चाहिए कि वो घर में बना के खिलाएं बच्चों को. हफ्ते में एक दिन बना लीजिए, आपकी पसंद का बनेगा. आज जो भी बनेगा आपकी पसंद का बनेगा. ऐसा भी, और ऐसा नहीं, मेरी बात को मत पकड़ लीजिएगा, आप रोज़ एक आइटम बनाते हैं बच्चे की पसंद का, वो भी ठीक है. तीन टाइम का भोजन में आप एक टाइम में एक आइटम ऐसा बनाते हैं जो बच्चे की पसंद का है. ठीक है, आपका घर है, आप देखो कैसे करना है, बच्चे कैसे खुश रहेंगे. हर समय अपनी चलाओगे आप तो बच्चे खुश नहीं रह पाएंगे, हर समय बच्चों की सुनोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे. पूरी बात समझिए, है ना. बातों को मत पकड़िएगा, हर बात को बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से पकड़िए. तो शर्म को छोड़ दो खाने में, ज्ञान प्राप्त करने में. ज्ञान प्राप्त करने में शर्म मत करना, रह जाओगे पीछे. आप तुरंत एक मैसेज डाल सकते हो या एक कमेंट लिख सकते हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, इस बात को और बता दीजिए. तो अगर बताने का समय होगा तो उसको बता दिया जाएगा. पैसे की डीलिंग में अगर आप शर्म करोगे, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हमने कहा दुकानदार से, हाँ कितने पैसे हुए, 320 रुपये. अच्छा क्या, तो हाँ हाँ आ जाएंगे, कोई नहीं, आप सोचिए मत, आप अगली बार दे दीजिएगा. अब खुद कह रहा है, हम तो कुछ सोच रहे थे और बात, उसने कह दिया अगली बार दे दीजिएगा और हम चले गए, और मान लीजिए हम भूल गए, तो नुकसान किसका है इसमें. तो पैसे की डीलिंग में शर्म नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करो. अगर ग्राहक खुद कहता है अभी नहीं है मेरे पास, अगली बार दूंगा, तो वो आप देखो कैसे करना है, फिर आप देखो कैसे करना है, देना है नहीं देना सामान. लेकिन आप अपनी तरफ से मत बोलो कि बाद में आ जाएंगे जी. बाद में क्यों आ जाएंगे, जब अभी दे रहा है कस्टमर तो बाद में क्यों आ जाएंगे. बिजनेस में शर्म मत करो. जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, फिर बाद में दिक्कत होती है. फिर आगे ये कहते हैं, एजुकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड. विद्या आपकी सच्ची दोस्त है. हर इंसान की का संग उसका ज्ञान साथ देता है. जो भी ज्ञान उसने प्राप्त करा है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो संसारी है, पढ़ाई लिखाई है, जो भी विद्या प्राप्त करी है व्यक्ति ने, वो आपके आखिरी समय तक साथ देगी. दुनिया के लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, घर वाले आपका साथ छोड़ सकते हैं, किसी का शरीर शांत हो गया, कोई मर गया, कोई चला गया, कोई दूर चला गया, कुछ भी हो, आपकी विद्या आपका साथ देगी हमेशा. एजुकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड. और जो गलतियाँ होती हैं वो भी एजुकेशन ही है. जो हमसे गलतियाँ होती हैं जीवन में, वो भी सिखाती हैं हमको, उनसे सीखना चाहिए. कोई काम शुरू करने से पहले अपने से पूछ लो कि क्या ये काम करना मेरे लिए आवश्यक है, क्या ये मेरी उन्नति करेगा, ये मेरे लक्ष्य तक पहुँचाएगा. अपने से पूछ लो कोई भी चीज़ जो सामने आती है. जैसे एक 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 बात आती है भोजन की, मैं फिर शब्दों पे मत जाइएगा, बात को समझिएगा. दो आइटम हमारे सामने बनकर आए हैं, खाऊं ना खाऊं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं. एक बुज़ुर्ग आदमी हैं, थोड़े से बीमार हैं, अब बच्चे के लिए पनीर, शाही पनीर बना है, और दूसरी लौकी बनी है. तो बीमार और बुज़ुर्ग आदमी को क्या खाना चाहिए, अब ये समझदारी की बात है. अपने से पूछो मेरे लिए क्या ठीक है.
आपका मन है, आप कहेंगे क्यों एक पीस पनीर नहीं ले सकता, ले सकते हो एक पीस पनीर, थोड़ी सी ग्रेवी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं, नुकसान करेगी। जरा सा ले लिया आपने, उसको लगा लगा के, रोटी से लगा लगा के उसको छुला छुला के खा लिया, आपको आनंद भी आ गया और आपका तबीयत भी नहीं बिगड़ेगी। ये देखना पड़ता, मेरे उदाहरण को पकड़ मत लीजिएगा, बात को समझिएगा। जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जब हमें सोचना पड़ता है मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या उचित रहेगा, मेरा उद्धार किस में है, सत्संग सुनूं उसी टाइम पर या कोई उसी टाइम पर किसी संसारी व्यक्ति का इंटरव्यू आ रहा है वो सुनूं। इन्फॉर्मेशन तो आपको संसारी व्यक्ति के इंटरव्यू में बहुत मिलेगी, लेकिन बाद में आपका भाव बिगड़ जाएगा, वो आपके काम कुछ नहीं आएगा, काम आपके सत्संग आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसारी आदमी के इंटरव्यू नहीं सुनेंगे, वो किसी और टाइम में सुनेंगे। देखिए, आप कुछ पढ़ना चाहते हो, आपके आगे दो किताबें रखी हैं, एक तो मैगजीन है और एक मान लीजिए भगवद गीता है। आप गीता पढ़ोगे मैगजीन पढ़ोगे, ये आपकी चॉइस है। मेरा उद्धार किस में है, मैगजीन भी पढ़ लो अगर आपको शौक है तो, ऐसा नहीं कह रहे कि मैगजीन नहीं पढ़ो, पर अभी क्या पढ़ेंगे ये आपकी चॉइस है। 10 मिनट का टाइम है, इसके बाद सो जाना है, इसके बाद कल काम पर जाना है, 10 मिनट का टाइम है, क्या चॉइस है आपकी ये देखो। फूल की खुशबू हवा के डायरेक्शन में बहती है, जाती है, फूल की खुशबू इधर से हवा चल रही है तो इधर खुशबू के आएगी लोगों को, उधर वालों को नहीं आएगी खुशबू। फूल की खुशबू हवा के डायरेक्शन के साथ चलती है, पर एक अच्छे इंसान की खुशबू हर तरफ फैलती है। आप एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान बनो, आपकी खुशबू धीरे 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 जब लोग जानते हैं आपको, सालों लग जाते हैं साख बनाने में, एक पोजीशन को बनाने में सालों लग जाते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल लग जाते हैं, और जब आप एक अच्छे आदमी का लेबल लग जाता है आप पर, तो आपकी उन्नति उसी तरह से होती चली जाती है। कैसे जाना जाता है उस व्यक्ति को, अच्छे काम से, जो सर्व के हित के लिए जीता है उससे उसको जाना जाता है। तो हम जल्दी ना करें, आज से ही कुछ अच्छा करना शुरू कर दें, सबके काम आ सके। थोड़ा सा शब्दों को मत पकड़ लेना, भाव पे जाना, आप कितना कर पाओगे। आप हफ्ते में 2 बार कुछ अच्छा कर पाते हो, ठीक है, बात को मत पकड़ लेना। कोई लोग रोज कर पाते हैं कुछ अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। समय के साथ आदमी राइज करता है, समय के साथ अच्छे आदमी की खुशबू चारों तरफ फैलती है समय के साथ। आगे पॉइंट ये कहते हैं, एक इंसान जन्म जाति या पोस्ट से महान नहीं बनता, वो अपने कर्म से महान बनता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से, जाति से, पद से, भैया तो बड़े ऊंचे पद पर बैठे हैं तो क्या हुआ, कोई नहीं पूछता, ठीक है, पद को सलाम करते हैं सब, कुर्सी को सलाम करते हैं, ये कायदा है दुनिया का। कोई जज साहब हैं, कुर्सी पर हैं, लोग सलाम करते हैं, और वही जब घर में आते हैं तो उनकी बीवी उनसे लड़ती है तो बेचारे चुप करके कमरे में घुस जाते हैं। कुर्सी को सलाम होता है, वहाँ थोड़ी कुर्सी है घर में। जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं कोई सलाम नहीं करता उस तरह से, आइए जज साहब, आइए सर, बैठिए बैठिए, चाय पीजिए, ये वो, साधारण व्यक्ति की तरह डील करेंगे। मेरा एक दोस्त है, तो ज़्यादा नहीं है दोस्ती, ऐसा नहीं है कि मैं जाता आता हूँ, साल में एक बार किसी शादी में, किसी जानकारी में मिलते हैं। वो जज है, बड़ा जज रहा वो, अब तो रिटायर हो गया, तो मैं जब भी मिलता रहा तो मैं तो उसको दोस्त की तरह मिलता रहा, मैंने नहीं उसको जज समझा। एक वकील है मेरा दोस्त, वकील की तरह नहीं मिलता हूँ, वो तो घर में आते हैं खाते पीते हैं, हम भी उनके घर जाते हैं खाते पीते हैं, जैसे साल में एक बार कभी कोई त्यौहार है, कोई ओकेजन है, कोई उनके बच्चे का कुछ है या इधर कुछ है, तब तो बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं जैसे दोस्त लोग मिलते हैं।
तो कोई भी इंसान जन्म से, जाति से, पोस्ट से महान नहीं बनता, वो अपने कर्म से महान बनता है। ऐसे कर्म करो कि दुनिया रखे याद, ये बात। आगे कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल करना हो तो विनम्रता एक औषधि है। आप नम्रता से चलो, आपको सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा, अपने ऊपर, अपने मन पर काबू हो जाएगा। कैसे? बोला नम्रता आप कर नहीं पाओगे हर एक के आगे, बहुत जगह आपको गुस्सा आएगा, बहुत जगह आप रिवोल्ट करोगे, आप विद्रोह करोगे, आपका मन विद्रोह करेगा। और आप नम्र बने रहो, ये आपका मन आपके वश में हो गया। कितनी बढ़िया बात बताइए, ये नया तरीका है मन को वश करने का, चाणक्य ने जो बताया। दुनिया में नहीं बताते लोग, दुनिया में कहते मन को वश करो तो ध्यान करो तो ये करो तो वो करो, ऐसे। इन्होंने कहा नम्रता से चलो, नम्रता से चलो हर एक के साथ, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। मन को मरना पड़ता है ना, नम्रता में मन को मरना पड़ता, नम्रता, नम्रता, नम, जिसका मन नीवा होता है वो कभी न मरता, नम्रता से चलता है ना। नीवा मतलब नम्रता, नीवा होके चल के नीवियानु रब मिलता, नम्रता वाला कभी न मरता, कभी नहीं मरता, मतलब नम्रता में रहता है तो वो उसके, उसका मन उसके वश हो जाता है। आपकी नम्रता आपको स्ट्रांग बनाती है और शत्रु को वीक। गौतम बुद्ध जब चलते थे तो डाकू आया सामने, लाओ उंगलियां दो अपनी, काटूं तुम्हारा हाथ। तो बोलते पहले एक डाली तोड़कर आओ पेड़ की। वो भी एकदम सकपक आ गया, कभी आज तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया। डाली तोड़ कर आओ क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ उंगली मेरे हाथ में फरसा है, अभी गर्दन उड़ा दूँ इसकी। पर संत जी है, देखकर भी देखे, संत की रिस्पेक्ट तो हर एक कोई करता है। तो संत है, अब चलो कह रहा है तो ठीक है, डाली तोड़ कर लाया। बोला अब जोड़ कर आओ। बोला जोड़ कर आओ, डाली की टूटी डाली की जुड़ती है, अगर तुम मेरी उंगलियाँ काट दोगे उसके बाद जोड़ सकते हो क्या? बोले नहीं, तो तुमको काटने का अधिकार कैसे? तुमको काटने का अधिकार किसने दिया? जब पूछते हैं तो एकदम घबरा जाता है, हैं, और उनके चरणों में झुक जाता है। कहानी है, एक थोड़ा बड़ी कहानी है, पर मैंने बहुत शॉर्ट में आपको टू द पॉइंट बात बता दी। नम्रता वाला कभी न मरता। फिर ये आगे कहते हैं, कर्जा एक दुश्मन की तरह है। लोन मजबूरी में लेना चाहिए या इनकम टैक्स बचाने के लिए लेना चाहिए? आपका वकील कहे, आपका सीए कहे, आपको दिखाना है कि आपने लोन लिया हुआ है, ये कारोबार कहाँ से किया भाई? लोन से किया है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस तरह दिखाने के लिए तब ठीक है लोन लेना, वरना लोन नहीं लेना चाहिए। आपको जो काम करना है अपने पैसे से करिए, क्योंकि कर्जा एक दुश्मन की तरह है, धीरे धीरे आदमी को खा जाता है। अगर वो उसको रिपे नहीं कर पाता तो, अगर उसको वापस नहीं कर पाता तो आदमी को जैसे घुन लग गई, ऐसा है कर्जा। और आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, आपने उसमें लोन लिया है और बढ़ाने के लिए कंपनी को, तो वो तो बढ़िया, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लेती हैं लोन, लेती हैं बैंक से लोन लेती हैं और आगे राइज करती हैं। वो एक अलग चीज़ है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो एक अलग कहानी है। बाकी नॉर्मल आदमी को कर्जा मजबूरी में लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। अपने पैसे से काम करें, और मजबूरी है, थोड़ा पैसा अपना है, थोड़ा लोन लिया, उसको रिपे कर देंगे कमाकर, वो ठीक है, चलो ठीक है। उसके आगे है, लर्निंग, विद्या अर्जन समय पर एक अच्छे दोस्त की तरह काम आते हैं। जो पहले एक बात कही थी उससे मिलती जुलती बात है कि विद्या जो है वो एक अच्छे दोस्त की तरह समय पर काम आती है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु विद्या साथ नहीं छोड़ती। इसके बाद पॉइंट है, ओवर अटैचमेंट दुख देता है। ज़्यादा प्रेम कर, ज़्यादा स्नेह, मेरापन, राग, ज़्यादा राग करना किसी से मेरा है, वो दुख देता है। वो बात नहीं मानता तो दुख मिलता है, सुनता नहीं है तो दुख मिलता है, पढ़ता नहीं है तो दुख मिलता है, कहने कहा हुआ काम नहीं करता तो दुख मिलता है,
और एक डर बना रहता है कहीं इसको कुछ हो ना जाए। आपका सबसे प्रेम है, अब किसी को कुछ हो ना जाए, अब ये तो दुनिया है, दुनिया में कुछ कुछ होता ही रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मत करिए। भगवान के हैं हम सब, हम सब भगवान के। अपनी कोशिश है, प्रयास है, हम प्रेम से रहते हैं, सेवा करते हैं, दवाई दारू करते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं, हर काम करते हैं जो एक आम आदमी को करना चाहिए, हर काम करते हैं। लेकिन स्नेह ज़्यादा, स्नेह कहते चिकनापन, स्निग्ध चिकनापन, जो यानी चिपक जाना, चिपक एक दुख का कारण है। एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, जहाँ राग होता है वहाँ तो ओवर अटैचमेंट जहाँ रहता है वहाँ झगड़ा भी होने की संभावना बाद में रहती है, क्योंकि हमारा कहा नहीं माने कोई तो झगड़ा तो होता ही है। और ज़्यादा मोह जहाँ होता है वहाँ क्रोध भी आता है, राग के साथ द्वेष चलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, राग के साथ द्वेष चलता है, दुख भी मिलता है, जहाँ राग रहता है वहाँ से दुख भी मिलता है। जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुखी बनो, ये गुरु का दादा भगवान की एक लाइन वो बोला करते थे, जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो, इन दोनों बातों से दूर रहो, जब सुख देगा तो दुख भी देगा, तो दोनों ही बातों से दूर रहो ना, प्रेम में रहो ना, प्रेम करो ना, सबसे करो ना, सबसे प्रेम करो। तो जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो, सुख दुख से आत्म सुख में रहो, अपने अंदर के सुख में रहो, स्वयं में रहो, अंतर्मुखी बनो, आत्मा में रहो, शांत सम। बाहर से ध्यान को, मन को हटाकर अंदर को खींच लेते हैं। बात चलिए तो दो मिनट के लिए हम कर लेते हैं। इसमें करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह से बहुत सिंपल एक तरीका होता है। आप थोड़े बड़े कमरे में अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ भी आप बैठे हैं, चलिए कोशिश करते हैं, जहाँ भी आप हैं वहाँ आप एक दीवार के साथ पास में कुर्सी डालकर वहाँ बैठ जाएं। आपके हाथ में मोबाइल होगा अगर आप सुन रहे हैं, और आप सामने दीवार जो है उसको देखिए इस तरह से कि आप 180 डिग्री, थोड़ा सा आपको आँखों में अंदर आना पड़ेगा, आप दीवार को मत देखिए, आप अंदर को आ जाइए, आँखें खुली हैं, बंद मत करिएगा आँख, खुली आँख में आप अंदर को खींच लीजिए, अपनी विजन को, अपनी दृष्टि को, अपने नेत्रों की जो ज्योति है, जो देख रहे हैं आप, उसको अंदर को खींच लीजिए, आँखों में आ जाइए, ये आप अंतर्मुखी हो गए। अब आपका ध्यान कहीं नहीं है, सामने फोटो वोटो कोई हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्लेन दीवार है, प्लेन दीवार से देखते हुए आपने अंदर को अपने को खींचा और आप आँखों में आ गए। आप कह रहे हैं सामने तो कुछ कुछ रखा हुआ है, दिख रहा है, तो आप आँख बंद कर लो, और बिल्कुल आप आँखों में आ गए, आप अंतर्मुखी हो गए इस समय। अब आपका ध्यान कहीं नहीं है, किसी की तरफ नहीं है, ये एक अवस्था है। बस ठीक है, कर लिया हमने, इसको आप अपने आप जब भी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये है अंतर्मुखता, आत्मा में आ जाना, स्वयं में आ जाना, आत्मा, आप स्वयं आत्मा हैं, उसमें आप आ गए। तो दूसरा जहाँ है वहाँ दुख मिलता है, राग द्वेष होता है, और जहाँ आप स्वयं हैं वहाँ अंतर्मुखता है, शांति है। आगे पॉइंट है, असली एजुकेशन केवल बुक्स या पजेशंस में ही नहीं है, सच्ची विद्या हर स्टेज पर काम आती है। असली एजुकेशन किताबों से पढ़ी हुई ही नहीं होती, वो भी ठीक है, किताबों की एजुकेशन भी ठीक है, पजेशंस जो आपके आपके जो आपकी धारणाएं हैं, आपके आग्रह हैं, आपके आपके मन में कुछ बातें पड़ी हैं, आपने जो सीखा है बचपन से, बहुत सारी बातें सीखी हैं, ये सारी एजुकेशन जो है
ये जो सच्ची विद्या है वो तो हर स्टेज पर हर समय काम आती है। कुछ बातें हैं जो सीख ली हमने पर वो आगे काम नहीं आती, जो बेकार होती हैं उनको धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए, और जो अच्छी बातें हैं उनको पकड़ते जाइए, बेकार की बातों को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। नॉलेज विजडम कीमती है। नॉलेज ज्ञान विजडम समझ कीमती है, ये हर जगह काम आती है, हर समय में काम आती है। ठीक ठीक ज्ञान होना, किसी से कैसे डील करना है, हाउ टू डील विथ पीपल, ये आना चाहिए। HR में ह्यूमन रिसोर्स में इसको विशेष तौर पे पढ़ाते हैं, हाउ टू डील विथ पीपल। एक किताब को मैं हमेशा रेफर करता हूँ, नाम भी बताता हूँ सबको, आपको ऑनलाइन मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी, इसकी हिंदी में भी आती है, लोक व्यवहार, हिंदी में इसका नाम है लोक व्यवहार के नाम से हिंदी में भी किताब डब की गई है, पर वो बात तो नहीं आती जो ओरिजिनल चीज़ में होती है। इंग्लिश की जो है वो ऑथर ने खुद ने लिखी है और हिंदी किसी और ने करी है, तो वो बात तो नहीं आएगी, पर आपको जैसे ठीक लगे आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से नॉलेज मिलती है, विजडम मिलती है, समझ मिलती है, लोक व्यवहार कैसे, व्यवहार में कैसे दिल जीता जाता है, व्यवहार में कैसे काम बनाया जाता है। व्यवहार में काम बनाना स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, पर जो काम करना है तो करना है, उस तरह से। अब आता है उनके लिए जो किसी कंपनी में है, कोई बिजनेस करते हैं, उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। मैन पावर आपके पास अधिक है तो आप बड़े काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अगर आपके पास मैन पावर ज़्यादा है उनसे काम लेना सीखे, फिर आपके काम आएगी वही बुक, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। में विन फ्रेंड्स पे मत जाइएगा, विन फ्रेंड्स मतलब किस तरह लोगों को दोस्त बनाएं, किस तरह अपना काम कराया जाए, काम करने के ऊपर है किताब मेनली। हाउ टू डील विथ पीपल, लोगों के साथ कैसे डील करें, बड़ी समस्या होती है लोगों के साथ डील करने में, जितने ज़्यादा लोग उतनी समस्या। एवरी पर्सन, जो भी नया व्यक्ति आता है, ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स विथ हिम, हिम और हर जो भी है, कोई भी व्यक्ति जो नया आपके घर में आता है अपने साथ समस्याएं भी लाता है, ये कहावत है। तो डील करना आना चाहिए, अगर जरूरी है तभी आदमी रखिए ज़्यादा, वरना मत रखिए। कम आदमी ज़्यादा काम करते हैं, उनको अच्छी तनख्वाह दीजिए, कम आदमी है ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा आदमी है कम तनख्वाह दे रहे हैं काम नहीं करेंगे। तो मैन पावर आपके पास अधिक है तो आप बड़े काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर से आप कितनों का भला कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर, लोग कहते हैं सत्संग में आने के बाद ना, पैसे की बात मत करो, पैसा ही हो पैसा ही हो, चलता है ना ज्ञान में, कोई साथ नहीं देगा, सारे नोट कागज हो जाएंगे, जब आखिरी समय आएगा वो तो हो ही जाएंगे, तो ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे क्या, कागज है नोट, क्या कागज है क्या, नोट तो नोट होता है, नोट तो नोट है, आपके काम आएगा, पैसा तो पैसा है आपके काम आएगा, उसको खराब मत करो, बर्बाद मत करो, ध्यान से पैसा खर्च करो और सबके हित के लिए खर्च करो तो और बड़ी बात है, ट्रू इन्वेस्टमेंट है। आप भगवान के राज में आप दे रहे हैं सबको, तो भगवान आपको देंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके घर में, जो सबको देते हैं वहाँ प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली आती है। आप कितनों का भला कर सकते हैं पैसे से, तो पैसा बहुत अच्छी चीज़ है एक लिमिट में। अगर आपको ज्ञान है तो पैसा आपके काम का है, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो पैसा आपको बर्बाद कर देगा, ये अजीब कहानी है। पैसे ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने राज्य रजवाड़े पैसे के चक्कर में, अय्याशी और ऐशो ऐश आराम में लग गए और उनके राज्य छिन गए। पैसा आदमी को बर्बाद भी कर देता है, पैसा आदमी को बना देता है, पैसा बिगाड़ देता है, उसका यूज़ करना आना चाहिए, उसी के लिए है नॉलेज एंड विजडम।
आपका कॉन्फिडेंस आपके हर परिस्थिति में साथ देता है, एक टफनेस होती है आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस होता है, ये आपका हमेशा साथ देते हैं। गलत आदमी के आगे झुको मत, मतलब उसकी बात मानकर नुकसान मत कर लो अपना, और सही आदमी के सामने एक कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ चलो, काम बढ़िया बढ़िया करो कॉन्फिडेंस के साथ। पर आपको काम नहीं आता तो पहले उसको सीखो, बेकार का कॉन्फिडेंस मत कर लेना कि मेरे को आता है, हर चीज़ मेरे शब्दों को मत पकड़ना आप। ये नीतियाँ हैं, नीति जो होती है हमेशा समझ करके काम किया जाता है। कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एक बेकार चीज़ है। आपको काम आता है फिर कॉन्फिडेंस है तो आपको आगे ले जाएगा, आपको काम आता नहीं है फिर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ख़त्म हो सकते हो। फिर अंदर में एक टफनेस होती है, एक दृढ़ता होती है, दृढ़ता आपको आगे ले जाएगी। इसके बाद हाउ टू डील विथ पीपल में एक आर्ट ऑफ पनिशमेंट भी होती है। आर्ट ऑफ पनिशमेंट मतलब जो गलत काम कर रहे हैं उनको दंड देना, और सबके सामने किसी को जलील नहीं करना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। टफनेस में, आर्ट ऑफ पनिशमेंट में ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अकेले में दंड दीजिए, अकेले में डांटिए। सबके सामने जब दंड देते हैं तो कंपनी में उसकी इमेज खराब होती है और वो आपकी इमेज खराब करने में लग जाता है। फिर घर में आप सबके सामने डांटते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, तो घर है मालूम है कि हम चार जने हैं, हम छः जने हैं घर में, वो तो डांट पड़ती रहती है कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कोई ना कोई, कोई ना कोई दूसरे को कह ही रहा होता है। तो घर के अंदर तो चलता है, कंपनी में नहीं चलता है, ये हर चीज़ समझने की है ना। घर के अंदर आप डांटो सबके सामने, कोई नहीं, अकेले में डांटो तो अच्छा है, नहीं तो सबके सामने डांटो तो भी चलेगा, कंपनी में नहीं चलेगा। कंपनी में अकेले में ऑफिस में बुला के तब डांटना चाहिए, सबके सामने नहीं। यूज़ ऑफ स्टिक व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत है तो संटी का इस्तेमाल करो, मतलब डांटो और वार्निंग दे दो, वो ज़रूरत है तो हर काम फ़ायदेमंद होता है। सेल्फ डिसिप्लिन, समता, शांति, ये आपको स्ट्रांग बनाते हैं। एक अंदर में एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है, हमारे कुछ कायदे होते हैं, मेक योर रूल्स, अपने रूल्स बनाइए अपने साथ। सुबह उठकर हम ये करेंगे, दिन में हम ये करेंगे, शाम को ये करेंगे, रात को ये करेंगे, कुछ रूल्स होने चाहिए, उनके हिसाब से चलिए। जैसे मान लीजिए आपका एक रूल है, आपने एक बनाया हुआ है नियम कि हमको एक्सरसाइज आधा घंटा रोज इस समय करनी है, तो करनी है तो करनी है। आप टाइम ही वो बनाओ जिसमें आप कर पाओ, ऐसा टाइम मत बनाना जो ऑफिस का टाइम है, आप नहीं कर पाओगे, कभी कर पाओगे एक दिन, दस दिन नहीं कर पाओगे। ऐसे टाइम ही वो बनाओ जो आप कर पाओगे। पढ़ने का टाइम है, रात को सोने से पहले बोला कुछ पढ़ कर सोएं, तो पढ़ने का टाइम वो बनाओ जो आप पढ़ पाओ। सोने से पहले पढ़ेंगे तो फिर आपको नींद आने लगेगी, आप नहीं पढ़ पाओगे। खाना खाने के बाद, रात का भोजन लेने के बाद, सोने से पहले तक मान लीजिए डेढ़ घंटे का टाइम है, उस डेढ़ घंटे में आपने 10 मिनट बना रखे हैं पढ़ने के, तो भोजन के बाद आधे घंटे बाद आप बैठ जाओ पढ़ने, क्योंकि एक घंटे बाद फिर आपको नींद सी आने लगेगी, और पढ़ने बैठोगे तो आप सो जाओगे। तो भोजन के, रात के भोजन के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए, भर के भले घर के अंदर ही टहल लीजिए, छोटा कमरा है, बड़ा कमरा है, लॉबी है, जो भी आपकी, वहाँ टहल लीजिए थोड़ी देर, घड़ी से देखकर 10-15 मिनट टहल लीजिए, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर 10-15 मिनट टहल लीजिए, फिर बैठ के पढ़ लीजिए, फिर अपना और काम निपटा के सो जाइए। और टेलीफोन को सर के पास में नहीं रखना चाहिए कभी भी, 3 फीट दूर, 2 फीट दूर आपका हाथ पहुँच जाए वहाँ रख लीजिए, भले ऑन है जो भी है तो ठीक है, मोबाइल डेटा बंद कर दीजिए, वाईफाई बंद कर दीजिए, खाली फ़ोन ऑन है इमरजेंसी कॉल के लिए। वरना कुछ लोग तो टेलीफोन बंद करके सोते हैं, घर में एक फ़ोन खुला रहता है, उनके मान लीजिए 3 फ़ोन हैं तो एक फ़ोन खुला रहता है, बाकी 2 बंद कर देते हैं, ज़रूरी वाला खुला रहता है, और उसको भी 2-3 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। कान के पास, तकिए के नीचे कभी मोबाइल फ़ोन नहीं रखिएगा, आज से ही छोड़ दीजिए, जगह बना लीजिए उसके 2-3 फीट दूर।
ये सेल्फ डिसिप्लिन में आता है, ये आपको स्ट्रांग बनाएगा। फिर सेल्फ डिसिप्लिन में एक बड़ा अच्छा रूल इन्होंने बताया, अपने लिए इच्छाएं ना होना, केवल ज़रूरत का सामान लो अपने लिए, इच्छाएं मत करो मैं ये पहनूं, मैं वो लूं, मैं वो खाऊं, मैं ऐसे मैं खाऊं। तो देखिए बताया था अपने हिसाब से आप भोजन लेंगे, पर मगा मगा के खाऊं होटल से ये सब मत करो, आप घर का भोजन लो, घर में बना के खाओ। एक बात कही आगे, तो देखिए सब अपने मन के मालिक हैं, किसी घर में कोई बच्चा है बिगड़ा हुआ है, वो तो होटल से मंगा के खाता है, क्या कर सकते हैं, बिगड़ गया। अपने लिए इच्छाएं न होना, ये हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, ये आपको राइज कराएगा। और सर्वहित के लिए जीना, ये आपको स्ट्रांग बनाएगा। जो सर्वहित के लिए जीते हैं वो अंदर में स्ट्रांग बनते जाते हैं। आप हर एक के लिए कुछ ना कुछ करते हो, जब जैसा मिलता है करते हो। अभी एक बात हो रही थी एक जगह, वहाँ कुछ हेल्प होती रही, तो वो आगे हेल्प कर रहे हैं, तो आगे हेल्प करके फ़ोटो जब भेजते हैं, हमने उनको जूते दिए, हम कपड़े दिए, हम ये दिया वो दिया, तो काफ़ी पहले जैसे थे मैंने देखा उनको, जो हमारे यहाँ जो डीलिंग करता है उनके साथ, वो बताता है कि अब उनकी आवाज़ में दम होता है, वो सत्संग सुनते हैं आपका, हर एक सत्संग रोज़ एक घंटा सत्संग का निकालते हैं, और अब उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है ऐसा मुझे देखने में आता है, उनकी आवाज़ में दम आ गया है। पहले वो मिन 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 करके बोलते थे, अभी एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते, सबकी हेल्प कर रहे हैं आगे। तो एक एक बोल्डनेस, एक दम भी होना चाहिए, साथ में नम्रता भी होनी चाहिए। ये गुण आपको बड़े लोगों में मिलेगा, बड़े कौन, जो हर तरह से बड़े हैं उनमें आपको मिलेगा, उनके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है और नम्रता भी होती है, ये गुण मिलता है उनमें। नम्रता बहुत ज़रूरी है। क्रोध को अवॉइड करना चाहिए, एक पॉइंट फिर आगे आता है कि क्रोध को अवॉइड करना चाहिए, गुस्सा आपको नुकसान ही करेगा, फ़ायदा कम करेगा। क्रोध की जगह थोड़ा एग्रेसिवली बोलना वो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा अपनी बात को दमदार तरीके से कहना, पर क्रोध करना कमजोरी की निशानी है। हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हम क्रोध कर रहे हैं, कहीं कहीं करना पड़ता है मजबूरी में, वो एक अलग बात है, पर ज़्यादातर क्रोध ना करके अपनी बात को थोड़ा डिटरमिंड वे में, थोड़ा बोल्डली अपनी बात को अच्छे से कहना आना चाहिए। ये बात अपने लिए कुछ नियम बनानी चाहिए, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर का काम करते हैं, नियम बनाने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, पावर बढ़ती है। ये वही पॉइंट चल रहे हैं सेम, नियम बनाने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर पावर मैनेजमेंट है, लोगों को हैंडल करना, उनकी साइकोलॉजी समझना और नॉलेज गेन करनी चाहिए, जिससे कि मैनेजमेंट पावरफुली हो, हम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ। तो लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, किस तरह लोगों से व्यवहार करें, डील करें, उनकी साइकोलॉजी समझना, इस सब के लिए थोड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अब ये सब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर मैंने आपको चाणक्य नीति बताई, ये सारी चाणक्य की नीतियाँ हैं जो कहते हैं आप राइज करना चाहते हो, कंपनी को बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके अंदर ये सारे गुण थोड़ी मात्रा में, जितनी मात्रा में, जितने में भी आप ला सकते हो इन गुणों को, वो आप लाओ। बहुत सारे ये पॉइंट्स बताए आपको, अगर आपने लिख लिए हैं तो आपके काम आएंगे, और नहीं भी लिखे हैं तब आप फिर से सुन लीजिएगा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।